तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। सुबह सुबह भाई साहब उठ चुके हैं, आज एकदम फ्रेश मूड में 6 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बेटे के साथ। देखो सो के उठा और कितना पहलवानी कर रहा है। कैसे खेलते हो देखो तो चलो, फिलहाल तो लाइट गोल हो जाता है यार, रात को बड़ा परेशानी जाता है। और हम जो रूम में सोते हैं, वे वाला रूम का पंखा है वो खराब हो चुका है, तो हम लोग को हॉल में आना पड़ता है। हॉल में पूरा बिछा के भाई ऐसे ही सोते हैं हम लोग। और लाइट आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो बस ये बहुत मुश्किल से 10 घंटा 12 घंटा ये फैन चलता है। उसके बाद इसका डाइंड हो जाता है, टू 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 टू। इन्वर्टर तो लगा है, 4-5 साल हो गया ना, तो इन्वर्टर का बैटरी बैकअप स्लो हो गया है। तो चलो गुड मॉर्निंग, उठ जाते हैं गाइस सब कोई। और गणेश जी तो सुबह सुबह उठ के मम्मी के लिए अब रोटी बनाना उसका ड्यूटी बन गया है। अब रोटी ही बना रही है क्योंकि मम्मी को थोड़ा शुगर पेशेंट है मम्मी, और बीपी वाली, तो इस वजह से उसको डॉक्टर लोग रोटी खाने के लिए ज्यादा सलाह दिए हैं। तो आप लोग सजेशन देना कि मम्मी को क्या क्या खाना चाहिए। पहलवान हो आप, ठीक है उठ जाओ, ऐसे लगता है आप खड़े हो जाऊंगा। ये गुड मॉर्निंग बोल, जोर से बोलना। खाना खाती है कि नहीं शाम को? दीदी रो रही है बेटा, देखो तो आप बड़ी हो गई है ना दीदी, तो पर भी से रोती है। आप तो नहीं रोते हो मेरे स्मार्ट बॉय। दीदी रोती है ना, बड़ी हो के भी रोती है। क्या कर रहे हो चाची आप, बोलो तो। दे दे अभी दे दे। दी तो कहाँ गए? कहाँ गई बेटू? रोटी कहाँ गई मम्मा? रोटी बताओ। कितना सारा रोटी बना दी है? अबे ये तो अभी खाती है रोटी। ये दूध के साथ खाती है। दूध के साथ? दूध के साथ तो स्वादिष्ट भी रहता है ना। स्वादिष्ट भी, प्रोटीन दायक भी रहता है। इसको सारा चीज स्वादिष्ट ही पसंद है, इसलिए चावल दाल खाना सब्जी नहीं पसंद है इसको। गाइस अभी मैं कूलर में पानी भर रही थी, आधा पानी भर आया, उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद हुआ यूं कि यहाँ पे पूरा फर्श पे पानी गिर गया। ये देखो, पानी गिरने का मेन रीजन है कि जो पाइप हम लोग लगाते हैं वो छूट गया था, और मेरा ध्यान तो बाबू की तरफ था। बाबू उठ गया था और बाबू रो रहा था, इसलिए बाबू का भी मैं ऐसे इस तरीके से गोदी करके, ये कंगारू बैग वाला होता है ना, कंगारू कंगारू जैसे अपने बच्चे को गोदी करके रखा रहता है, कंगारू थैला, वैसा मैं गोदी कर रही हूँ इसको। ट्राई कर रही थी कैसे लगेगा, तो शायद ये कंफर्टेबल है, लेकिन इसको पकड़ना पड़ेगा क्योंकि इसने मुंडी अभी तक टेका नहीं है। तो इसको मैं अभी ऐसे ही रख के ये साफ करने वाली हूँ। एलियस तो बाहर गए हैं। हेलो सुष्मिता, बाबू को देखने आई है? ये थे बाबू। तो बाबू को क्या कर रहे हो बाबू? है कंगारू बैग में? तो तेरे को लटका है तेरी मम्मी ऐसे? ओ तो ये तो कंफर्टेबल है मेरे लिए, मस्त। अगली बार से मैं ऐसे ही करूँगी। वो जो साइड में लगाते हैं ना, आयो लोग साइड में बांध देते हैं, वो मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो अब से मैं ऐसे ही बांधूंगी। मुझे ये वाला आइडिया नहीं था। और इसको भूख भी लग रहा है इसलिए एकदम छटपटा रहा है, बहुत ज़्यादा छटपटा रहा है। तो मुझे कंफर्टेबल होना पड़ेगा इसके साथ। ये ओ नहीं रहा अभी भी। बाबू क्या है मम्मा? भगाओ भगाओ भगाओ, दूसरों का बकरी है, भगाओ भगाओ भगाओ, भाग यहाँ से। ए नो नो नो, भाग भाग बोल भगा। तो गाइस रेचल ऐसे ही खेलती है आजकल जब से चलने लग गई है, और ये चप्पल आया तुड़ंग 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 तुड़ंग। क्या है क्या है? मुर्गी का बच्चा पकड़ने जा रही है, और सोनी यहाँ पे खेल रहे है ना बेटू, खेलो खेलो करोगे आप? मम्मा जा रही है, ओके कुछ कुछ करने के लिए। क्या चाहिए क्या चाहिए मम्मा? एनिमल ये देखिए गाइस, क्या मांग रही थी। ऐसी खेलेगी, हो गया देन। दिने हो गया
क्या कर रहे हैं आज? ईडीएस आ चुके हैं और कुछ कुछ काम कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये वाला जो घर है इसको रेंट पे दिए हैं और इसमें खिड़की नहीं है इसलिए यहाँ पे खिड़की फुड़वा रहे हैं, क्योंकि अभी गाइस बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है और अंदर पूरा गर्म हवा भर जाता है इसीलिए। और डिंगल कम हियर, इधर आओ। और हम बनाएंगे आज अंडा। ये है गाइस देसी अंडा, इसलिए हम इसको चेक कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत दिन का है, तो अच्छा है कि नहीं। अगर अच्छा रहेगा तभी हम इसको बनाएंगे, वरना फिर ये जाएगा। तो ये जो पहला अंडा हम फोड़े वो अच्छा था। इसका जो योक होता है वो बहुत येल्लो होता है, हाइब्रिड वाला अंडा होता है वो येल्लो नहीं दिखता है ना, इसका योक कि ऐसे ही दिखता है, नहीं दिखता। हाँ ये थोड़ा डिफरेंट ही रहता है, अलग रहता है। कैसे घुसे उसमें? मारा उसका बस पानी के पास जाएगी। फिर से आगे खिला दूंगी मैं। यहाँ पे बनेगा खिड़की बड़ा सा। पूरा ये घर पूरा ये रूम पूरा बंद है भाई, सब साइड से कहीं भी खिड़की नहीं है। यहाँ फोड़ रहे हैं खिड़की हम लोग। क्या देखने आए हो? खिड़की देखने आए हो? गाइज अभी शाम का वक्त है और एकदम ज्यादा आंधी तूफान चल रहा है। मैं बना रही हूँ सब्जी, दाल चावल हो चुका है, यहाँ पर धान उठा रही है सुनियारो। ये विदेशी की बहन है, आप लोग विदेशी को देखे होंगे, हम सुनियारो को पहली बार देख रहे हैं। ये देखिए पानी गिरने वाला है, एकदम भयंकर वाला। ये देखो काला बादल पूरा छाया हुआ है। ये बैल इतनी नहीं पापा ले जाओगे? बाबू लोग पैसे कर लिए। अच्छा सब्जी होने वाला है? ओके सब्जी लो बना लेता हूं। बाबू सो रहा है पापा की गोदी में, बहुत देर हो गया है। सब्जी जैसे ही बनेगा मैं बाबू को ले लूंगी गोदी में। तो मैं बना रही हूँ सब्जी गाइस। अरे यार चम्मच कहाँ गया? ये बर्तन को ना हमको ढकना पड़ता है क्योंकि ये खप्पर वाला घर है गाइस, बहुत सारा कचरा रहता है इसमें। तो जैसे ही हवा आंधी तूफान होता है ना तो एकदम कचरा गिरता है, तो बर्तन पूरा गंदा हो जाता है, तो ढक के रख देते हैं हम लोग। और यहाँ मैं बना रही हूँ करेला और आलू का सब्जी। वैसे तो मैं आलू को करेला को ढक के नहीं पकाती, लेकिन कचरा गिर रहा है ना इसलिए ढकी थी। तो यहाँ पर बच्चा पार्टी क्या कर रहे हो गाइस? एडिंग कैमरा ऑन हो गया। ओदे ओदे ओदे। हेलो हेलो मम्मा, ओदे ओदे ओदे। देख तो देख तो कहाँ से लाइट जल रहा है। टेडी बियर नहीं है, पांडा है। पांडा येलो पांडा है, ये येलो उसको। गर्मी से राहत के लिए आज हमारा मौसम विभाग साथ दिया, हल्का सा बारिश हुआ है। ये देखो पानी, हल्का सा मौसम पूरा थोड़ा शांत किया है। भाई साहब ऐसे ही करे मौसम थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी इतना है ना कि बर्दाश्त ही नहीं होता भाई साहब। सो गाइस अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, 9:30 तो नहीं हुआ, 9 बज रहे हैं। 9:30 होने वाला है मोटी। और हम लोग सोने की तैयारी कर चुके हैं गाइस। ये हमारा रूम है और हम अपने रूम से बाहर हॉल में हैं, क्योंकि लाइट ना हमेशा जा रहा है, लाइट तो नहीं जा रहा, करंट जा रहा है, तो इस वजह से। और यहाँ पे है इन्वर्टर कनेक्शन, वहाँ पे भी है रूम में अपना पर्सनल वाला, लेकिन वो वाला फैन ना चढ़ाका मारा, वो बिजली तो वो हो गया है, उड़ गया, इस वजह से हॉल में सोना पड़ रहा है कुछ दिन तक। जब तो ये हमारा बिस्तरा, बाबू सो रहा है वहाँ पे है उसको ना लेके। तो ब्लॉग एंड कर, आज का दिन तो खत्म हो गया। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।